आपने बहुत से ट्रैक्टर देखे होंगे, उनमें ऐसा बम्पर नहीं देखा भाई आपको पंजाब में देखने को मिलेगा ऐसा बम्पर। हाँ लो भाई, ये भाई चल गई बत्ती, ये लो बत्ती, ये लो वाला। भाई क्या प्राइस पड़ गया था इन टायर के साथ अलॉय का सब कुछ? भाई ये 2,10,000 रुपए के पड़े थे दोनों टायर और अलॉय पंजाब फ्रंट फ्रंट के। हाँ जी, तेरा लग दे बेचारे नजर ना लग जे दुनिया दी मेरे कोले बे। एरिया गला करे जादू होया चेंज तेरे करके छकियां भी मैं रखियां ओ भी कहर ते तेरे बंदी ओ गड्डियां उच्चियां रखियां ओ नारा वो जट दे पीछे आ पर तू मैनू गाली जचदी ਕਤੇ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਚੱਟਾਂ ਨੇ ਕੁੜਤਾ ਨਵਾਂ ਸਪਾਇਆ ਵੇ ਅਲੱਗੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਰਾਹ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ ਹਾਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਜਦ ਵੀ ਬਨੇ ਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਦੀ ਬਨੇ ਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਦੀ ਤੂੰ ਖੜੇ ਗਲ ਚ ਗੁਣ ਹੱਥ ਡਿਓਰ ਐ ਰੱਖੀ ਆ ਗੱਡੀ ਟੂ ਡੋਰ ਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਜੋ। हाँ तो भाई गाइस, स्वागत है आप लोगों का नई वीडियो में। तो भाई आज आप लोगों के लिए आए, देख लो भाई, गाड़ियों के रिव्यू तो बहुत देखे होंगे मॉडिफिकेशन के साथ आप लोगों ने, लेकिन ये देख लो भाई क्या बना रखा है भाई ने। पुराने टाइम का ट्रैक्टर है, मतलब 19th century का है, मतलब 1997 या 1998 का ऐसा कुछ मॉडल है। तो ये देख लो भाई, पुराना टाइप का इंजन और पेंट वेंट करवा के क्या बना रखा है भाई, ये देख लो। और ये टायर देखो मेन, तो आप मॉन्स्टर वाले टायर लगवा रखे इसमें, पीछे वाला इतना मोटा नहीं है जितना अगला वाला मोटा है। एंड आगे भाई ने अपने दादाजी का नाम लिखवा रखा है, चार रूट्स के हॉर्न। ये देख लो आगे से लुक देखो, पहले तो फ्रंट से इसका भाई, आज इसका ओनरशिप रिव्यू लेंगे भाई से कि भाई क्या क्या मॉडिफिकेशन है सिस्टम के साथ, और बहुत सारी चीज़ लग रखी है इसमें। ये देख लो अलॉय तो नॉर्मल रख रखे हैं, एंड ये पीछे का लुक ये देखो भाई, और ये देख लो भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल फील पूरी दे रखे भाई ने इसमें। तो अभी सारी चीज़ पूछेंगे, लाइट वाइट का सब सारा सेटअप चेंज करवा रखा है भाई ने, मतलब फील है। तो अभी भाई से पूछेंगे क्या क्या कॉस्टिंग पड़ी है इसकी, साइलेंसर से लेकर सब चीज़ चेंज करवा रखी है इसकी। तो हमारे साथ भाई हिमांशु भाई आ चुके हैं। अब भाई आप इसे बता दो आपने क्या क्या करवा रखा है। जैसे ये आपने चार रूट्स के हॉर्न लगवा रखे, चारों वर्किंग है भाई? यस, चारों वर्किंग है। और भाई ये अराउंड कितने के पड़ गए होंगे आपको? ये भाई सब चीज की अलग अलग कीमत है। अच्छा, ये 9,000 रुपए के जैसे आप बता रहे थे 9 के कुछ पड़ गए ना आपको ये। और ये भाई ने लाइट लगवा रखी है भाई, इसमें हैलोजन है या एलईडी लग रही है? अच्छा ये, हाँ जी ये कड़ा बना हुआ है, ये एलईडी एलईडी सेट तो मैं आपको तो साके दिखाता दिखता आपको। हाँ आपने बहुत से ट्रैक्टर देखे होंगे, उनमें ऐसा बम्पर नहीं देखा भाई आपको पंजाब में देखने को मिलेगा ऐसा बम्पर। हरियाणा में नहीं है, हरियाणा में नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेंगे भाई आपको हरियाणा में, ठीक है। हाँ जी भाई, ये लो भाई, ये टायर है जैसे कि टायर लो या दोनों चीजें, ये भी आपको बहुत ये टायर तो भाई हरियाणा में तो मैंने देखा ही ना किसी ट्रैक्टर में अभी तक ये वाले भाई, ये मतलब दिख जाएंगे पर इतने बड़े साइज में नहीं दिखेंगे, छोटे साइज में दिखेंगे आप। और हिंदुस्तान में मोस्टली कराया वो मेन है ना, हिंदुस्तान में तो किसी ने नहीं कराया होगा अभी तक ये काम, हरियाणा में हिंदुस्तान ट्रैक्टर में भाई है, हरियाणा में हिंदुस्तान बहुत है पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है वो यूनिक पीस बना रखा है। और भाई क्या प्राइस पड़ गया था इन टायर के साथ अलॉय का सब कुछ? भाई ये 2,10,000 रुपए के पड़े थे दोनों टायर और अलॉय पंजाब फ्रंट फ्रंट के। हाँ जी ले भाई, फ्रंट फ्रंट के 2,10,000 रुपए के तो खाली फ्रंट के हैं जो है भाई। ये तो नेक्स्ट चीज़ का सेटअप हो गया। फिर भाई आगे क्या करवाया आपने?
पूरा ट्रैक्टर पेंट करवाया, पूरा ट्रैक्टर बूटर से पेंट कराया हुआ है। ये लो भाई, आप पेंट की क्वालिटी देख लो, आपने गाड़ियों में भी पेंट देखा होगा, वैसे भी पेंट देखा होगा, छोटी छोटी चीजें देख लो, आप पेंट की क्वालिटी देख सकते हो, कहीं पे भी पेंट बह रहा हो या कुछ और डॉटेड पेंट हो, ये देख लो भाई पूरा पेंट देख सकते हो भाई। कितने का पड़ा आपको पूरा ट्रैक्टर का पेंट? ये भाई ऑलमोस्ट ट्रैक्टर ही ये हमें 9,55,000 रुपए का पड़ा है। अच्छा, मॉडिफाई करा के है भाई। भाई ने मेन चीज तो यहाँ करवा रखी है भाई, एक तो इसमें फुट स्टेप नहीं आते, फुट रेस्ट बनवा रखे हमने इसके अलग से, ऑलमोस्ट ट्रैक्टर में देखोगे यहाँ तक होते हैं। अच्छा, ये फुट रेस्ट ये पूरा आपने आगे का करवा रखा है? आगे तक अलग बनवाया, टूल बॉक्स अलग बनवा रखा है नीचे। अच्छा, एक्सपेंड करवाया आपने आगे का? ये अंदर से ही हमने एक्सपेंड करा रखा है, पीछे तक पूरा पूछो तो पूरा काम हुआ है, मतलब पक्का काम करवाया, कच्चा कुछ भी नहीं। ना पीछे यहाँ पे जगह खाली मिलेगी ऑलमोस्ट ट्रैक्टरों में ना। हाँ भाई, जो यहाँ वाली जगह होती है खाली मिलती है। हाँ, यहाँ तो खाली होती है, घूम जाए तो इसके लिए पूरा अलग से बनवाया था भाई। पीछे तक का पूरा पेंट है, और ये जो जेसीबी की सीट लगवा रखी है हमने। अच्छा, ये जेसीबी की सीट लगवा रखी है, ये देखो पूरे सोकर वगैरह सीट वगैरह घूम भी जाती है पूरी सीट। अच्छा जी, अरे सॉफ्ट है ना, मतलब बाइक कंफर्टेबल है ना, जंपिंग वाली है। अरे ये मेन भाई इसका फीचर, ये आगे भी हो जाती है, आगे पीछे ऊपर नीचे सारी हो जाती है, और ये भाई इसमें चार्जिंग का प्लग भी है नीचे, देख लो भाई। सीट सीट का कितना खर्चा पड़ा इसका भाई? सीट सीट तकरीबन 38,000 रुपए, 38,000 के 38,000 रुपए की सीट है भाई इसमें। अरे ये पावर स्टेयरिंग करवा दी भाई इसका? भाई पावर स्टेयरिंग करा, पहले नहीं आया था ना ये, उस टाइम पे तो नहीं आता होगा पावर स्टेयरिंग, हिंदुस्तान आया ही नहीं पावर स्टेयरिंग में भाई। ये देख लो सिस्टम सेटअप पूरा लग रहा भाई, कौन सी का है? पायनियर के वो लग रहे हैं भाई इसमें ना, ऊपर जैसे छतरी पर बैठते हैं, गर्मी लगती है, पंखा भी लगवा रखा है भाई यहाँ पर पूरा। लो भाई पंखे का भी सेटअप, अभी सारा बैटरी चलता है भाई। हाँ जी, ये लो भाई लाइट चल रहा है, पंखा कहाँ दे रखा भाई स्विच? ये देख लो भाई, ये पर सबके वो दे रखे, ये अंडर लाइट के सब चीजों के अलग अलग है भाई ये, ठीक भाई है? ये लो भाई ने एक सिस्टम भी लगवा रखा है, ये कहाँ चलेगा भाई, जलाओ ना इसे क्या? ये लो भाई, ये भाई चलेगी बत्ती, ये लो बत्ती, येलो कलर की बत्ती लगवा रखी, क्योंकि येलो ट्रैक्टर है तो पूरा येलो, लाल नहीं लगवा रखी। और भाई सिस्टम तो एक नंबर, और जो पब्लिक रिएक्शन आ रहा था ना रोड पे, वो तो नेक्स्ट लेवल है भाई। ये सीट तो बिल्कुल सही में कंफर्टेबल है, और यहाँ ये पंखा लग रहा है, फिर देख लो भाई ट्रैक्टर का लुक ऊपर से, नाइट व्यू भी बहुत अच्छा है भाई ट्रैक्टर का। नाइट व्यू तो होगा भाई, चारों तरफ लाइट ही लाइट लग रही है, सारे में लाइट लाइट लग रखी है भाई। आप ये टूल बॉक्स तो जरा देख लो भाई, एक बार चाबी दिखाओ ना जी, छतरी पूरी तगड़ी मजबूत बनवा रखी है भाई ने, ऐसी तो आई भी नहीं होगी भाई। ये लोग की अब करते हैं वो ट्रैक्टर को स्टार्ट, क्लच बीच को, ये बिलो क्लच बीच के स्टार्ट होता है वाली, फिर लो ये लोग ट्रैक्टर हो गया स्टार्ट। अरे स्टीयरिंग बिल्कुल लाइट है भाई, इतने बड़े टायर और के साथ भी बिल्कुल लाइट घूम रहा है, मतलब फॉर्च्यूनर वाली फील आ रही है पूरी भाई ने, चाहिए थी ना फॉर्च्यूनर वाली फील, लो फॉर्च्यूनर सॉफ्ट बदल। अरे यहाँ से हॉर्न बज रहा है देख लो, चारों रूट्स वर्किंग है अपने, चारों बज रहे हैं अपने साइड में बैठने के लिए भाई ने, सारे हेड लग रहा है ये सिस्टम भेजना चाहिए इसके, ये लो भाई ये सिस्टम यहाँ लग रखा है। अभी एक बार ट्रैक्टर बंद करके फिर बंद कर, अभी सिस्टम सुनाएंगे आप लोगों भाई, ये यहाँ से ब्लूटूथ का सिस्टम सब कुछ है। अभी आप गाने सुनाते हैं हम एक बार, एक से भी तो भाई गाइज आप लोगों ने एक चीज नहीं देखी इसमें, जो मेन चीज है, एक तो ये पावर स्टीयरिंग हो गया जो भाई ने करवा रखा, और ये देखो भाई गियर इसके यहाँ है, ये गियर देख रहे हो आप, R1 2 3 4 ये है गियर इसका,
मोस्टली ट्रैक्टर्स में यहाँ पे स्पीड होती है एक, बट यहाँ इसका गियर है और ये इसका बंद करने का जुगाड़, यहाँ से होता है बंद ट्रैक्टर, इसे खींच के बाहर सब। और ये हॉर्न रहा, मतलब अभी चाबी हटा रखी है, चाबी ऑन कर देता हूँ मैं, चाबी ऑन करने से भी नहीं बचता ये भाई, बजेगा स्टार्ट करके ना बचता है। चलो बैटरी ऑन होगी ना। अरे ये रहा भाई इसका मीटर देख लो, इसमें स्पीड है भाई 40 की स्पीड है। और ये सारे सी हीट वीट के वो मीटर ये देख लो भाई सारे, मतलब भाई फील अलग ही है। तो भाई आप लोगों ने देख लिया, भाई ने सब कुछ बता दिया, भाई 9 लाख की मॉडिफिकेशन हो रखी है इसमें, 9 लाख की सिस्टम का भाई ने बताया। भाई ये 1.5 लाख रुपये का, 1.5-2 लाख रुपये का सिस्टम लग रखा है इसमें अराउंड। अभी भाई को एग्जैक्ट पैसे याद नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर मॉडिफाई करवाया काफ़ी टाइम हो गया, एग्जैक्ट पैसे याद नहीं है कितने लगे थे, क्योंकि सारे बल्क में दिया था। तो भाई कह रहे कि भाई 9 लाख रुपये मोटे मोटे इसका खर्चा हो चुका है, देख लो। और सिस्टम आप लोगों ने सुन लिया क्या बज रहा था, 2 लाख का तो सिस्टम लग रहा है इसमें, क्योंकि सारा सेटअप वेटअप वायरिंग के साथ सब कुछ। ये जा रही वायरिंग, इसको देख लो, ये देख लो भाई, भाई गाड़ियों में तो मॉडिफिकेशन होती है सस्ती, ट्रैक्टर में सारा कनेक्शन वनेक्शन करना सब हार्ड होता है। तो भाई चलो आज की वीडियो में खाली इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो भाई इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।